जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 12 गंदा पानी फैलाए रोग। इस पाठ के आज हम कुछ प्रश्न उत्तर को समझेंगे और इस पाठ को हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हाथ पैर अकड़ना तथा बाद में पैरों में लकवा होना लक्षण है। मनुष्य के हाथ पैर अकड़ जाते हैं और उसके बाद में पैरों में लकवा हो जाता है, तो ये कौन से लक्षण है, किस रोग के लक्षण है? पोलियो का, मलेरिया का, पीलिया का या डेंगू का? आपके पास ये चार उत्तर हैं, इनमें से आपको सही उत्तर यहाँ पे भरना है कि हाथ पैर अकड़ना तथा बाद में पैरों में लकवा होना कौन से रोग के लक्षण है। तो यह इसका उत्तर होगा पोलियो का लक्षण है। ये कौन सा उत्तर है? पोलियो का। पहले हाथ पैर अकड़ जाते हैं और बाद में पैरों में लकवा हो जाता है, तो ये पोलियो का लक्षण है। प्रश्न संख्या 2, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, चिकनगुनिया बुखार या इन्फ्लुएंजा? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इन चार में से आपको एक सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया बुखार आता है हमें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही, ब, मलेरिया बुखार। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको खाली जगह में भरना है। पहला है, नदी के बहते पानी से नहीं आती है। नदी के बहते पानी से नहीं आती है, क्या नहीं आती है? यहाँ पे खाली जगह है, तो इस खाली जगह में हम क्या भरेंगे? दुर्गंध या सुगंध? दुर्गंध यानी बदबू, सुगंध यानी खुशबू। तो नदी के बहते पानी से क्या नहीं आती है? दुर्गंध नहीं आती है, क्योंकि पानी बहता रहता है, इकट्ठा नहीं है, इसलिए उसके अंदर दुर्गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती है। दूसरा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं। हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, कैसे पानी में मच्छर अंडे देते हैं? बहते पानी में या ठहरे हुए पानी में? बहते पानी में या ठहरे हुए पानी में कैसे पानी में मच्छर अंडे देते हैं? तो यहाँ हम भरेंगे, ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं। बहता हुआ पानी होता है, तो बहते हुए पानी में मच्छर अंडे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पानी बहता है, और ठहरा हुआ पानी उसमें मच्छर आसानी से अंडे दे सकते हैं, इसलिए हम इसमें से क्या उत्तर लेंगे? ये ठहरे, हम यहाँ लिख देंगे ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं। तीसरा है, यहाँ भी रिक्त स्थान है, रोग में मरीज की आँखें और नाखून पीले पड़ जाते हैं। कौन सा रोग है जिसमें मरीज की आँखें और नाखून दोनों ही पीले पड़ जाते हैं? ऐसा कौन सा रोग है? तो पीलिया है या पोलियो है, दोनों में से कौन सा रोग है? तो इसमें से हमने पढ़ा था पूर्व में कि पीलिया रोग हो जाता है, तब मरीज की आँखें और नाखून पीले पड़ जाते हैं। तो हम इसमें से सही उत्तर क्या भरेंगे? पीलिया, पीलिया यहाँ भर देंगे। तो पीलिया रोग में मरीज की आँखें और नाखून पीले पड़ जाते हैं। चौथा है, यहाँ पर फिर रिक्त स्थान है, रोग में मरीज के पैर में लकवा हो जाता है। कैसे रोग में मरीज के पैर में लकवा हो जाता है? पीलिया या पोलियो? पीलिया या पोलियो दोनों में से किस रोग में मरीज के पैर में लकवा हो जाता है? लकवा हो जाता है, फिर वो चल फिर नहीं पाता है, तो कौन सा रोग है वो? तो वो है पोलियो। पोलियो रोग जब हो जाता है तो मरीज के पैर में लकवा हो जाता है, इसके कारण उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। प्रश्न संख्या 4, नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है? नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, नदी का पानी बहता हुआ पानी है, इसलिए वह सड़ता नहीं है। नदी का पानी कैसा पानी है? बहता हुआ पानी है, इसलिए वह सड़ता नहीं है, तथा उसमें दुर्गंध नहीं आती। दुर्गंध यानी बदबू। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, बहते रहने के कारण वो सड़ता भी नहीं है, और जब वो सड़ता नहीं है तो उसमें से दुर्गंध भी नहीं आती है, बदबू भी नहीं आती है।
जबकि गड्ढे का पानी ठहरा हुआ पानी है। गड्ढे का पानी कैसा होता है? एक गोल गड्ढे में पानी भरा रहता है तो क्या वो बह सकता है? नहीं, वो ठहरा हुआ रहता है, तो वो ठहरा हुआ पानी है। सड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आने लगती है। जब वो पानी सड़ने लगता है, गर्मी गड्ढे में पड़ा पानी जब इकट्ठा हुआ सड़ता रहता है, तो उसके कारण उसमें क्या आती है? दुर्गंध आने लगती है, तथा उसमें कीड़े मकोड़े व मच्छर पैदा हो जाते हैं। पानी जब वो सड़ता रहता है उसमें बदबू आने लगती है, दुर्गंध आती है, तो उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है? कीड़े मकोड़े व मच्छर पैदा हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया जो रोग है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो इसका उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 6, डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये जो रोग है डेंगू नामक बीमारी है, ये कौन से मच्छर के काटने से होता है? इसका उत्तर है डेंगू रोग एडीज मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। क्या है मच्छर का नाम? एडीज मच्छर। तो एडीज मच्छर जब काटता है तो डेंगू रोग होता है। तो इस दोनों प्रश्नों में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज। और डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से।